एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ब्लॉग शुरू हो गया है शाम से और आज है तारीख 29 जनवरी है आज, और सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, ये देखिए। और बहुत ही प्यारी खूबसूरत शाम हो रही है सर्दियों की। अब सर्दियां उतनी नहीं है, मतलब गलन है, हवा चल रही है ना ठंडी, तो सर्दियां मतलब हैं, शाम के टाइम में महसूस होती है, सुबह में दोपहर में तो अच्छी तेज धूप हो रही है। तो आज सर्दी का ऐसा हाल रहा है यहाँ पे, और मैं हूँ मेरे रूम में, और पीछे मेरा रूम थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि सर्दियां हैं तो दिन भर बिस्तर में ही रहते हैं, तो बिस्तर थोड़ा फैला हुआ है, तो सोच रही हूँ बिस्तर समेट के और एक बार शाम वाली झाड़ू लगा दूँ। तो अभी थोड़ा सनसेट हो रहा है ना, तो उस समय मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, थोड़ा और हो जाए तब लगाऊंगी। जल्दी इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मैं द्रोही को ट्यूशन लेने के लिए चली थी, फिर सब्जी भी लेके आई उधर से, तो मैंने सोचा था थोड़ा इससे पहले मैं अक्सर झाड़ू लगा लेती हूँ सनसेट होने से पहले ही। कहते हैं ना कि सूर्यास्त होता है ना, सूर्यास्त के पहले ही झाड़ू लगाना चाहिए। तो उस टाइम पर मैं चली गई थी द्रोही को लेने ट्यूशन से, और फिर सब्जी वगैरह भी लेनी थी, सब लेते लेवाते आई हूँ, तो सनसेट का टाइम हो गया। अब थोड़ा सूरज अंदर हो जाए ना तो फिर मैं झाड़ू लगाऊं। तो अभी तब तक मैं जो क्लटर फैला हुआ है वो साफ कर लेती हूँ, फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू शाम वाली, और उसके बाद देखेंगे डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। तो यही सब हो रहा है, और ध्रुही बाहर खेल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसी हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, बच्चे उनके साथ खेल रही है बाहर और चिप्स वगैरह एंजॉय कर रही है। चलिए दिखाती हूँ, मेरा दो गेट है, एक इधर पीछे से, ये पीछे वाला गेट है जो बालकनी से इस तरह से घूम के मैं इधर फ्रंट पे आ जाती हूँ, और ये है फ्रंट वाला गेट। तो मैं पीछे से आ गई हूँ। ध्रुही, तो ध्रुही इस रूम में है, ठीक है, खेलो। पड़ोस में खेल रही है, भाभी हमारी नई पड़ोसन आ गई है, और इनका छोटा सा बेबी है, मैंने बताया होगा मेरे ब्लॉग में, अगर नहीं बताया तो फिर से बता देती हूँ, इनका छोटा सा बेबी है 5-6 महीने का, तो दिन भर बच्चे उसको ही खिलाते रहते हैं, उसी साथ खेलते रहते हैं, तो वही खिला रही होगी ध्रुही। और मैसेज आ रहा है पतिदेव का, बुक की हो क्या? हाँ बुक किया है मैंने, एक्चुअली लिपस्टिक मंगाई है मीशो से, कॉम्बो में थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया, तो वही मैसेज पांडे जी के पास भी गया होगा ना, तो वही कंफर्म कर रही कि मंगाई हो क्या, तो मैं कहा हाँ मंगाया है, वही लिख देती हूँ उसमें, तो मैं वही बता रही हूँ कि लिपस्टिक ऑर्डर करी है मैं, आ जाएगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। लिक्विड लिपस्टिक है मैट, तो मेरे पास इस समय लिपस्टिक में रेवलॉन की है, जेल लिपस्टिक है वो, और बहुत ही अच्छी जो अक्सर मैं लगाती हूँ, पिंक अभी तो मिट गई है थोड़ी सी, और बहुत अच्छी लिपस्टिक है और बहुत अच्छी लगती है, बस मुझे पर मुझे इसका एक ही शेड मिल पाता है यहाँ पे, और मिलता है अगर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये है मेरी लिपस्टिक, तो इसका ये सिर्फ पिंक शेड ही मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे यूज करती हूँ, और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, रेवलॉन की है, थोड़ी एक्सपेंसिव है हम लोगों के लिए तो है ही, मिडिल क्लास वालों के लिए ये है। कितने की है भाई साहब ये? 999 की है, 98 की, सॉरी, मतलब 1000 रुपए की लिपस्टिक है। तो उसका काम भी ऐसा है, मुझे सारी लिपस्टिक में ये लिपस्टिक अच्छी लगी, क्यों? पहली बात तो यह है कि मुझे कोई भी फ्रेग्रेंस वाले लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है, उसमें फ्रेग्रेंस होता है तो मेरे सिर चढ़ जाता है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे परफ्यूम्स की खुशबू अच्छी नहीं लगती, मुझे स्ट्रांग परफ्यूम मतलब माइल्ड हो तो चल जाता है, स्ट्रांग परफ्यूम्स नहीं अच्छे लगते, और जो भी फ्रेग्रेंस इस तरीके के होते हैं ना, बॉडी स्प्रे वगैरह, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे सिर चढ़ जाता है। तो लिपस्टिक में भी आजकल कहीं कहीं लिपस्टिक में रहता है, कहीं क्या, बहुत ज़्यादातर लिपस्टिक में रहता है, तो मुझे वो लिपस्टिक पसंद नहीं आती हैं। दूसरी चीज वो इस पे नहीं है तो अच्छा है, दूसरी चीज है कि इसका आप लगाने के बाद ना होठों पे बिल्कुल भी वेट पता नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया है, कुछ भारी है। ये लिपस्टिक जेल फॉर्म में है, मतलब
शाइनिंग देती है, बट आपको होठों पे चिपचिपा फील बिल्कुल नहीं होगा कि आपके होठों पे चिपचिप फील हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम लाइट वेट है, बहुत हल्का अच्छा लगेगा। और इसका जो ग्लॉस आता है होठों पे बहुत अच्छा लगता है। आपने अक्सर मुझे हर वीडियो में ये लिपस्टिक लगाए हुए देखी होगी, क्योंकि इस समय सिर्फ यही लिपस्टिक है मेरे पास और मुझे यही पसंद भी आई है इस समय, तो खाली यही लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं रेवलॉन की। तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए, तो इस समय मेरी जितनी भी लिपस्टिक्स थी लिक्विड वाली वो तो या तो सूख गई या एक्सपायर हो गई, क्योंकि मैं ज़्यादातर लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, घर में तो ऐसे ही रहती हूँ, और कभी कभार कहीं आना जाना हुआ तो ही यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है मुझे, तो बहुत चीज़ें मैं ऐसे बार बार मतलब खरीद के स्टोर नहीं करती हूँ कि एक्सपायर हो ख़राब हो, तो बहुत सारी लिपस्टिक तो ऐसे ख़राब भी हो गई है, तो इसलिए अभी मैंने सिर्फ चार लिपस्टिक मंगाई हैं, चार शेड मंगाया है, और देखते हैं कब तक चलती है, बहुत दिन चल जाएंगी इतनी तो मेरी। और बहुत दिखावे वाली बात नहीं है, मैं जैसी रियल हूँ वो बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही है कि लिपस्टिक के नाम पे अभी मेरे पास सिर्फ यही है। रेवलॉन बहुत अच्छी है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। दिखाती हूँ मैं, ये पेन की तरह है खुलता, और इस तरह से इसको जब करेंगे, अरे ये देखिए, तो एक लिपस्टिक ऐसी मैंने लगा के पूरी खत्म कर दी है, और ये दूसरी है, पहली वाली भी दिखाती हूँ रखी है, और वो बिल्कुल एंड तक खत्म हो गई है। इसका जो कैप है वो भी ध्रुही ने खेल लिया है, पता नहीं कहाँ है, तो ये देखिए इसको तो मैंने पूरा ही खत्म कर दिया है, ये घुमाने पे नहीं खुलेगी क्योंकि ये पूरी एंड हो गई, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से घिस घिस के पूरा लगाया है, इसका पैसा वसूल किया है, और इसका भी अब यही हाल होगा। तो इसकी तो कैप खो गई है, पुराने वाली थी वो किसी काम की नहीं है, पर इसमें अभी है तो मैं इसको लगा रही हूँ, और अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ट्राई करना चाहें तो।